वीडियो एडिटिंग ऐप और सॉफ्टवेयर तो बहुत से देखे होंगे आपने, मगर आज जो ऐप मैं दिखाने वाला हूँ ना वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि आप किस ऐप में अपनी वीडियो को एडिट करते हो, और उसे देखकर मैं समझ गया कि आप में से 98% लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में पता ही नहीं है। तो आओ बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन का नाम है नोड वीडियो एडिटर, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं आपको इस ऐप की खासियत बताता हूँ कि आप जो काम आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजोल में कर सकते हो वो काम आप सेम इसमें भी कर सकते हो। तो इस ऐप के अंदर जो मेन जो चार फंक्शंस है वो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर, जैसे कि हो गया 3D मॉडल्स को इंपोर्ट करना, कलर ग्रेडिंग करना, मोशन ट्रैकिंग करना और क्रोमा की के अंदर। चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो नोड वीडियो एडिटर को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। मिनी मोड में अगर आप जाना चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ से आपको कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपनी वीडियो को इजिली बना सकते हैं। मगर हमें इधर प्रोजेक्ट में जाके इधर प्लस न्यू पे क्लिक करना है हमारा नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं एक सेटिंग बता दूं, उसको आपको ऑन कर लेना है, उसके बिना आपका कुछ भी काम नहीं होगा। आप सोचोगे कि आपकी वीडियो एडिट नहीं हो रही है। आपको जो एक करंट लेयर का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको सिंपली क्लिक करना है और इसे ऑल लेयर पर सेट कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी जो दूसरी लेयर वगैरह भी होगी ना वो भी मूव होगी अगर आपने उन्हें एडिट करा होगा तो। तो अब सिंपली मैं आपको ये चार चीजें बताऊंगा इसके अंदर, मोशन ट्रैकिंग, 3D मॉडल इंपोर्ट, कलर ग्रेडिंग, क्रोमा की। सबसे पहले मैं आपको मोशन ट्रैकिंग बता देता हूँ। मोशन ट्रैकिंग करने के लिए आपको सिंपली अपनी वीडियो को इंपोर्ट करना है यहाँ पर। तो उसके लिए आपको इधर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे, तो आप मीडिया वाले ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है उसमें जाके आपको अपनी वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। मैंने ये वीडियो इंपोर्ट कर ली है यहाँ पे। तो मुझे इस वीडियो के अंदर मोशन ट्रैकिंग करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे वीडियो पर क्लिक करना है। अब आपको इधर साइड में ऑप्शन मिलेंगे अपनी वीडियो को एडिट करने के, तो आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, मगर आपको क्या करना है, आपको ये जो ट्रैकर वाला ऑप्शन है आपको ट्रैकर वाले ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन से तो हम करेंगे मोशन ट्रैकिंग, और अगर आपकी वीडियो में स्टेबलाइजर ऑन करना है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम गए मोशन ट्रैकर में और अब हमारे सामने आ गया है ये एरो। तो अब इस एरो को हमें सेट करना है जिस भी चीज़ को हमें ट्रैक करना है। तो मैं इस आई को ट्रैक कर लेता हूँ। तो आपको इधर प्लस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अपनी वीडियो को जूम करके इसमें आराम से इसे सेट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको इधर एनालाइज पे क्लिक करना है और आपकी वीडियो में ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। अब हो गई हमारी वीडियो के अंदर मोशन ट्रैकिंग। अब हमें इसमें ऐड करना है एक ऑब्जेक्ट को। तो जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट पर जाना है और इसे एडिट कर लेना है डबल टैप करके। जैसे मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख दिया, अब आप चाहो तो इसके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अब आपको इसे करना है ट्रैक। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो भी आपको ट्रैक करना है उसे रख देना है स्क्रीन पे कहीं पर भी, और आपको जाना है वीडियो के अंदर। वीडियो में जाने के बाद आपको इधर मोशन ट्रैकर का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर अप्लाई टू टारगेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, तो आपको सिंपली इसमें नॉन है इसको टेक्स्ट पर क्लिक करके, तो इसको नॉन से टेक्स्ट पर करके अप्लाई कर देना है। फिर आपको अपनी वीडियो को एक बार थोड़ा आगे लेके देखना है और आपका जो टेक्स्ट है वो वहाँ से अपनी जगह से हिल जाएगा। तो आपको उसको फिर से ट्रांसफॉर्म करके वहीं पर लेकर आ जाना है जहाँ पर वो पहले था। ये करने के बाद आपको फिर अपनी वीडियो को एक बार प्ले करना है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैक हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। इस पे अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें कि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। अब हम सीखते हैं सेकंड चीज, 3D मॉडल्स इंपोर्ट करना। 3D मॉडल इंपोर्ट करने के लिए आपको कोई भी मॉडल को डाउनलोड करके रख लेना है और फिर से आपको प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है। अब आपको दबाना है नीचे 3D पे। 3D पे दबाने के बाद आपको यहाँ पर एक इम्पोर्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको इधर प्लस पे क्लिक करके देख लेना है कि आपको किस किस तरह के मॉडल आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको इंपोर्ट में जाना,
और आपका जो भी मॉडल आपके पास पड़ा हो, जैसे मैंने बिल्डिंग्स के मॉडल डाउनलोड करके रख रखे हैं, सो मैं इनमें से किसी एक को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे इम्पोर्ट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉडल आ गया। तो आपको सिंपली इसकी स्केल को मैं छोटा करके आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। सो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का मॉडल है बिल्डिंग का मेरे पास। इसमें आप जो भी चाहे वो मॉडल आप इसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो ये 3D मॉडल आप देख सकते हैं, एक बिल्डिंग का 3D मॉडल है। सो हमने यहाँ पर देख लिया 3D मॉडल और हमारी मोशन ट्रैकिंग हो गई। अब हम चलते हैं कलर ग्रेडिंग की तरफ। सो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको सिंपली वीडियो पे क्लिक करके फिर से इधर नीचे प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर लास्ट में CC का बटन मिलेगा। आपको सिंपली CC वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर कलर ग्रेडिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट पे, आपको सिंपली उसमें चले जाना है। उसमें जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह के कलर व्हील्स मिलेंगे। सो इनको आप मूव करके अपनी वीडियो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3D लाइट भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, उस पर मैं जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये हमने देख ली कलर बिल, आप इसमें चाहो अपने हिसाब से कितनी भी कलर ग्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको ऊपर की तरफ एक बार मिल जाएगा, इसके अंदर आप अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो एकदम धांसू वाली। सो अब हम चलते हैं क्रोमा की तरफ, लास्ट हमारा स्टेप है जो। सो मैंने ये वाली वीडियो इम्पोर्ट कर ली। अब इसमें आप देख सकते हैं पीछे ग्रीन स्क्रीन है। सो अब मुझे इस वीडियो की ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, तो मुझे सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है, जिस भी वीडियो की ग्रीन स्क्रीन है इधर प्लस पे आपको क्लिक करना है। तो आपको सिंपली यहाँ मास्क पर क्लिक करना है। मास्क पर क्लिक करने के बाद आपको इतनी सारी इसमें मास्क मिल जाते हैं, क्लिपिंग, शेप, क्रोमा, लूमा, कलर। तो आपको जो है क्रोमा की पर क्लिक करना है। तो अब जैसे ही क्रोमा की पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो आपको एक पेन दे रखा है, आपको इस पेन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है अपनी वीडियो में से, आपको इसे वहाँ ले जाके रख देना है। जैसे से हमें ग्रीन स्क्रीन हटानी है तो मैंने ग्रीन स्क्रीन पर ले जाके रख दिया और ये देखिए हमारी ग्रीन स्क्रीन यूँ चुटकियों में गायब हो गई। तो इसकी ग्रीन स्क्रीन भी बहुत तगड़ी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे नीचे लाइक करें, और अगर इसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।